श्रद्धेय स्वामी जी, भाई रविंद्र रे एवं साथियों, 2012 के शुरुआती महीनों में भारत सरकार के शिक्षा विभाग, जो उन दिनों HRD मिनिस्ट्री कहलाता था, उसके UGC प्रोग्राम के तहत व्यास चैनल के लोगों ने मेरे दो संभाषण की रिकॉर्डिंग की थी। उसका शीर्षक उन्होंने दिया था सोशल थिंकर्स, लेकिन बाद में मुझसे आग्रह किया गया कि मैं इंडियन रेनासा, जिसे कभी कभी बंगाल रेनासा कहा जाता है, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण सामाजिक चिंतक एवं रणनीतिकार रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करूं। दो खंडों में, पार्ट वन और पार्ट टू के रूप में YouTube पर दोनों भाषण पहले से उपलब्ध हैं। आज मैं उसी कड़ी में तीसरे भाग, पार्ट थ्री की बात करने जा रहा हूं। जब मेरा वह दोनों भाषण YouTube पर लोड किया गया तो मेरे कई विद्यार्थियों और साथियों ने मुझसे एक स्वाभाविक सवाल पूछा कि क्या भारतीय नवजागरण या रेनासा की प्रक्रिया रामकृष्ण परमहंस, दयानंद, विवेकानंद, राममोहन राय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की चर्चा तक सीमित करके भारतीय संस्कृति के जो जीवंत सूत्र हैं हमारे समाज में, क्या उनको समझा जा सकता है? या दूसरे शब्दों में, क्या हम मान लें कि भारत में कभी पुनर्जागरण हुआ था और अब फिर हम सुसुप्तावस्था में जी रहे हैं? इस सवाल का उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इन मुद्दों पर कैसे सोचता हूं एक शिक्षक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक सजग भारतीय के रूप में, एक सजग सनातन धर्मी के रूप में, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन किसी भी पारंपरिक चिंतक की तरह मैं भी मानता हूं कि किसी भी युग या समाज के जो मूल प्रश्न होते हैं, जो ज्वलंत प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर एक व्यक्ति नहीं दे सकता। और कई बार हम क्रेडिट तो दे देते हैं कि ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार हैं, या ये स्वामी विवेकानंद के विचार हैं, या ये राममोहन रे के विचार हैं, या महात्मा गांधी के विचार हैं, या नेहरू के विचार हैं। परंतु मुझे बहुत लंबे समय से इस पर संदेह रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो बोलता है या सोचता है या जो महसूसता है, उसमें वह एक स्वतंत्र
एजेंट होता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। होता यह है कि देश काल परिस्थिति के दबाव में अस्तित्व के कुछ बड़े प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं या खड़े किए जाते हैं, और वह प्रश्न उस युग के उस देश काल के अधिकांश लोगों को प्रभावित करती है। सभी परेशान रहते हैं, कई लोग उस पर चिंतन करते हैं, और यदि किसी खास व्यक्ति का चिंतन, युग चिंतन उनके समकालीनों के अधिकांश लोगों की चिंता से संपृक्त होती है, जूझती है, तो वह लोकप्रिय विचार बन जाता है। इसलिए नहीं कि रामकृष्ण परमहंस या महात्मा गांधी बहुत बड़े व्यक्ति थे और इसलिए उन्होंने जो विचार किया वो बड़ा है, बल्कि इसलिए चूंकि उस देश काल परिस्थिति की जो ज्वलंत समस्या है उस पर अधिकांश लोगों ने तो अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, अपने पारिवारिक जातीय सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उस पर विचार किया था, लेकिन एक व्यक्ति हमारे समाज में पैदा होता है, उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, जो उन्हीं प्रश्नों को सामूहिक रूप से विचार करता है। और जब तक कोई विचार, कोई भाव, कोई कृति, कोई किताब, कोई सिनेमा, कोई मूर्तिकला, कोई पेंटिंग, कोई संगीत समाज के एक बड़े तबके के दिल और दिमाग को उत्तेजित नहीं करता, तब तक वह विचार लोकप्रिय नहीं होती, उसको महानता की तरह नहीं देखा समझा जाता, नहीं माना जाता कि वह कालजयी कृति है या कालजयी चिंतन है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का जो पुनर्जागरण शुरू हुआ अंग्रेजी राज के उत्तरार्ध में, वह अभी भी चल रहा है, अपना काम कर रहा है, और यह भारतीय समाज की कोई अलौकिक बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है। यूरोप में भी पुनर्जागरण ऐसे ही विकसित हुआ। जैसे यूरोप में 13वीं शताब्दी के इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ, सूत्रपात हुआ, लेकिन वह फलित होता है 18वीं शताब्दी के फ्रांस में, जिसे लोग सामान्यतया फ्रेंच एनलाइटनमेंट कहते हैं, जो विकसित होकर यूरोपियन एनलाइटनमेंट बन गया। एनलाइटनमेंट को हम हिंदी में ज्ञानोदय कह सकते हैं और रेनासा को पुनर्जागरण। यानी जो यूरोप का पुनर्जागरण है वो यूरोप के एक देश इटली के एक शहर फ्लोरेंस में शुरू होता है और वह 18वीं शताब्दी तक यूरोप के अधिकांश देशों में करीब करीब सर्वमान्य हो जाता है। सर्वमान्य का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे विचार नहीं थे, उसके विरोध में बातें नहीं कही, लिखी, महसूस की गई,
ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही विचार एक समाज और देश काल परिस्थिति में सब लोग मानते हैं, परंतु युग सापेक्ष जो चेतना होती है, जो ज्यादातर लोगों को मान्य होती है, उस विचार का, उस कला का, उस संगीत का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और उसे मुख्य धारा मान ली जाती है। भारत में यह हुआ कि विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुई और कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। 1906 आते आते जो दोनों धाराएं थी, भारतीय पुनर्जागरण की धारा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धारा, इन दो धाराओं का संगम होने लगता है और 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की मुख्य धारा उभरती है, तो वह एवं ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले के नरम धड़े के मुकाबले भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेताओं के ज्यादा नजदीक जा पाती है। अब कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने क्यों की थी, किसकी योजना से की थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि 1857 में जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, वह करीब एक साल चलने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी उसकी हार हो गई। लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी भारत में समाप्त हो गया और 1858 के बाद भारत में सीधे सीधे अंग्रेजी राज स्थापित हो गई और महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी मान लिया गया। 1757 से 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रमुख राजनीतिक घटक था, लेकिन बहुत सारे लोग लड़ा करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसमें मराठे भी थे, हैदर अली और टिपू सुल्तान भी थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, महाराजा रंजीत सिंह भी थे और अन्य भी बहुत सारे लोग थे जो संगठित तो नहीं थे परंतु अपनी लेखनी के द्वारा अपनी अपनी भाषाओं में वो अंग्रेजी राज और भारतीय समाज के रिश्ते को कई बार तटस्थ और कई बार भावुक होकर विचार कर रहे थे, जिससे जन चेतना अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी। उसी का विस्फोट 1857 के आंदोलन में शुरू हुआ
परंतु वह सफल नहीं हो सका। उसके दो तीन कारण थे। एक कारण तो यह था कि भारतीय समाज में अंग्रेजी राज का समर्थक एक बड़ा वर्ग बन चुका था, उसे आप जमींदारों का वर्ग कह सकते हैं या अंग्रेजी शासन काल में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का वर्ग कह सकते हैं। इसके साथ साथ करीब 600 देसी रियासतें थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन कर लिया था। इन लोगों ने, यानी इन देसी रियासतों ने और जमींदारों ने तथा अंग्रेजी राज के बरकत के गीत गाने वाले लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को साथ नहीं दिया और अंग्रेजों ने एक बेहतर युद्ध नीति के आधार पर हम लोगों को हरा दिया। इसी संदर्भ में, जैसा कि मैंने दूसरे भाग में भी कहा था, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि अंग्रेजों ने हमको कभी एक देश के रूप में हराया नहीं है, बल्कि एक देश के रूप में हमने उनको भारत राज करने के लिए गिफ्ट में दिया है। ये बात बहुत गंभीर है, लेकिन ज्यादातर भारतीय लोग इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते। महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं? महात्मा गांधी दो बात कहना चाहते हैं। पहला, कि अंग्रेजों ने एक देश भारत को नहीं हराया, एक राष्ट्र भारत को नहीं हराया, उन्होंने हमको टुकड़े टुकड़ों में हराया है, फूट डालो राज करो की नीति के तहत। और भारत में ऐसे बहुत समर्थ लोग थे जिनको लगा कि आज की परिस्थिति में अंग्रेजों से बेहतर नौकर राज करने लायक हमारे समाज में नहीं है। अब ज्यादातर आधुनिक लोग ये समझ नहीं पाते कि दुनिया के जितने देश हैं उनका जो अधिष्ठान है, उनका जो फाउंडेशन है, वो अलग अलग है। उदाहरण के लिए, जो आधुनिक यूरोप है और उसके ज्यादातर जो कॉलोनीज है जहां परंपरा समाप्त हो गई है, वहां नेशन स्टेट सबसे महत्वपूर्ण अधिष्ठान होता है। लेकिन भारत जैसे कुछ अन्य देश भी हैं जिनका अधिष्ठान नेशन स्टेट नहीं है, धर्म है, संप्रदाय के अर्थ में नहीं, जिस अर्थ में ईसाइयत को एक धर्म कहा जाता है या इस्लाम को एक धर्म कहा जाता है या यहूदियों को एक धर्म कहा जाता है, वो हमारे यहाँ संप्रदाय कहा जाता है। उस अर्थ में ईसाइयत की या इस्लाम की तरह का धर्म हमारे यहाँ वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है, गणपत्य धर्म है, सौर धर्म है, स्मार्त धर्म है। लेकिन ये हमारे यहाँ धर्म नहीं कहलाते, ये हमारे यहाँ संप्रदाय कहलाते हैं। यानी अंग्रेजी का जो शब्द है रिलीजन, उसका भारतीय भाषाओं में यदि अनुवाद करना हो, लिपियांतरण करना हो, तो उसे संप्रदाय समझना चाहिए। धर्म का अर्थ वही होता है जिसे महान फ्रांसीसी समाजशास्त्री एवं दार्शनिक इमाइल दुर्खाइम, जो मूलतः यहूदी पृष्ठभूमि के थे, वो सेक्रेड कहते हैं। यानी जो धर्म है वो मोरल कम्युनिटी का निर्माण करता है। मोरल कम्युनिटी यानी नैतिक समुदाय, जबकि संप्रदाय एक पूजा पद्धति का विकास करता है और समाज के लोगों को कर्मकांडों में अनुशासित करता है। दोनों अलग चीजें हैं और दोनों का अलग अलग प्रकार्य भी है।
फंक्शन भी है। तो जो हमारा समाज है वो रीत पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, वह नैतिक मूल्यों पर आधारित है और उसके द्वारा एक नैतिक समाज का निर्माण करने की कोशिश करता रहा है, जिसमें राज्य भी समाज का एक घटक मात्र है। यानी जैसा आधुनिक समाज विज्ञान में इमाइल दुर्खीम या मर्सिया इलियट जैसे विद्वान मानते हैं, आनंद केंटिस कुमार स्वामी जैसे विद्वान मानते हैं, सैयद हुसैन नस्र जैसे विद्वान मानते हैं, मार्को पैलिस जैसे विद्वान मानते हैं, काउंट केसरलिंग जैसे विद्वान मानते हैं, या जैसा मार्टिन हाइडेगर अपने बाद की रचनाओं में मानते हैं, या जैसा रॉबर्ट निस्बेट मानते हैं, धर्म हमेशा दो तरह का होता है। एक जिसे आप नेचुरल रिलीजन कहते हैं, डेविड ह्यूम की भाषा में, उसी नेचुरल रिलीजन को यूरोप के लोग पेगन धर्म कहते हैं और भारत के लोग उसे सनातन धर्म कहते हैं। बहरहाल जो मुद्दा है वो ये है कि महात्मा गांधी के मरने के बाद, जिनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई और विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुई, उसके बाद भारत में क्या होता रहा? क्या केवल राजनीति होती रही? उसका उत्तर है नहीं। भारत में अंग्रेजों का राज 1948 तक रहा और आज भी हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। एक अर्थ में आज भी हम स्वतंत्र देश नहीं हैं, वरना हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं होते। आज भी इंग्लैंड की रानी हमारी रानी है और भारत में उसके प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु हम बंधे हुए हैं बहुत सारी चीजों से। जो हमारा संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान माना गया, वह अंग्रेजों के बनाए 1935 के संविधान, जिसे इंडियन एक्ट 1935 कहा जाता है, उससे बहुत हद तक प्रभावित है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह निर्णयकारी है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत हद तक वो हमारे संविधान को प्रभावित करता है। और उन्होंने जो संस्कृति आधुनिक राष्ट्र राज्य के चलाने की कायम की थी, उसको हम काफी हद तक आज भी मानते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। चूंकि अंग्रेजों की तरह हमारे यहां केवल राष्ट्र राज्य नहीं है, हमारे यहां आज भी एक जागृत समाज है, हमारे यहां आज भी एक जीवंत सभ्यता है, हमारे यहां आज भी एक जीवंत सनातन धर्म है। तो सवाल उठता है कि यदि हम उसको समझना चाहें, जो गैर सरकारी जो सामाजिक विमर्श है, सांस्कृतिक विमर्श है, राजनीतिक विमर्श है, सभ्यता मूलक विमर्श है, तो उसको हम कैसे समझें, कैसे समझाएं? तो मैं बहुत लंबे समय से, तकरीबन 20-25 वर्षों से लगातार कह रहा हूं कि वह चीज भारत की सिनेमा है। भारत के विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, उस पर यूरोप का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उसके सिलेबस अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से प्रभावित तो है ही,
इसके अलावे हमारे शुरुआती जितने भी महान विद्वान हुए हैं, महान समाज शास्त्री हुए हैं, समाज विज्ञानी हुए हैं, उनमें से अधिकांश की पढ़ाई इंग्लैंड या यूरोप या अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में हुई है, और जो भारत में भी पढ़े हैं उसमें से ज्यादातर लोगों पर उनका प्रभाव है। लेकिन इसके साथ साथ भारत में समाज शास्त्र की, समाज विज्ञान की एवं चिंतन की एक समानांतर धारा भी चलती रही है। जैसा कि बंगाल में हुआ, बंगाल में 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो उस स्वदेशी आंदोलन के तहत 1908 के आसपास कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन जो कुलपति थे सर आशुतोष मुखर्जी, जिनके सुपुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ नामक एक राजनीतिक दल के संस्थापक हुए, जिसका रूपांतरण भारतीय जनता पार्टी है, जो आज भारत की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रकार के स्वदेशी समाज शास्त्र की नींव डाली थी, और उसके तहत बी के सरकार, बी एन सील, एस भी केतकर, बाद के दिनों में केसी चट्टोपाध्याय और महात्मा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे निर्मल कुमार बोस जैसे विद्वानों ने भारत के लिए एक अलग तरह के भारतीय चिंतन पर आधारित समाज शास्त्र या समाज विज्ञान विकसित करने की कोशिश की थी, जिसका प्रभाव लखनऊ स्थित समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के विभाग पर सबसे ज्यादा पड़ा, और उसका कुछ प्रभाव लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थियों के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में भी प्रकार अंतर से आया। लेकिन उस धारा का जो सबसे बड़ा जो संवाहक माध्यम बना वह भारतीय सिनेमा, खासकर हिंदुस्तानी सिनेमा या हिंदी सिनेमा है। जैसा कि मैंने अपने कुछ अन्य संभाषणों में भी कहा है, भारत के सिनेमा के निर्माण एवं विकास में तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हैं बाल गंगाधर तिलक, राजा रवि वर्मा और दादा साहब फाल्के। जैसा कि आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक 1906-07 के आसपास कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बनकर उभरे, और जब तक वे जीवित रहे यानी 1920 तक, उन्होंने भारतीय राजनीति के सांस्कृतिक आयामों के रूप में कला रूपों के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया। इसी के तहत सबसे पहले उन्होंने केरल के मालाबार राज्य से राजा रवि वर्मा नामक पेंटर को बुलाया, जो हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग किया करते थे। उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया कि तुम्हारी जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छी है, और मैं इनको नई तकनीक के माध्यम से ज्यादातर भारत के घरों में पहुंचाना चाहता हूं। राजा रवि वर्मा तैयार हो गए। एक लिथो प्रेस की व्यवस्था की गई, जिसमें राजा रवि वर्मा को दादा साहब फाल्के नामक सहयोगी मिले। तो हमारे यहां जो सिनेमा की शुरुआत हुई वह स्वतंत्रता आंदोलन के सांस्कृतिक आयाम के रूप में, सांस्कृतिक मंच के रूप में हुई, और इसमें पेंटिंग गुरु राजा रवि वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही,
खाद्य के रूप में, जो भारत में सिनेमा का उद्गम एवं विकास हुआ वह यूरोप के विपरीत हुआ। हालांकि तकनीक तो वही है, सिनेमा एक तकनीक के रूप में एक पाश्चात्य चीज है, लेकिन जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी, जो छापेखाने का तकनीक आया था, उसने हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों को कमजोर किया था और उसने हमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यक्ति की तुलना में ज्यादा राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति बनाने में भूमिका निभाई थी। जबकि जो ये ऑडियो विजुअल माध्यम आया, सिनेमा का तकनीक आया, इसमें तीन महत्वपूर्ण पड़ाव है। जो पहला पड़ाव है भारत में वह 1913 से 1930 तक का है, यह मूक फिल्मों का दौर है। जो दूसरा दौर है वह है 1931 से तकरीबन 1960-65 का युग, इसे हम श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट टॉकीज का जमाना कह सकते हैं। और उसके बाद तीसरा युग शुरू हुआ जिसे हम कह सकते हैं रंगीन फिल्मों का युग। अब रंगीन फिल्मों के युग की बात कर रहा हूं मैं, पहली, दूसरी या पांचवी रंगीन फिल्म की नहीं, क्योंकि हमारे यहां रंगीन फिल्में कोई एक वर्ष में बननी शुरू नहीं हुई, क्रम है उनका। एक फिल्म बनी, पहली रंगीन फिल्म सोहराब मोदी ने बनाई थी झांसी की रानी, वह व्यवसायिक रूप से असफल साबित हुई। तो जो अन्य लोग रंगीन फिल्म बनाना चाहते थे वो डर गए। यह बात 1950 के दशक की है। फिर 1960 में एक फिल्म आई मुगले आजम, उसमें के पूरी फिल्म श्वेत श्याम है, ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन एक गाना कलर है। जो रंगीन गाना है वो बहुत लोकप्रिय हुआ और माना गया कि मुगले आजम की सफलता में अन्य चीजों के अलावे इस रंगीन गाने का भी प्रभाव था, लेकिन वह काफी महंगा पड़ता था रंगीन फिल्म बनाना भारत में उस वक्त। परंतु धीरे धीरे 1960 के उत्तरार्ध में, खासकर 1965 के आसपास से रंगीन फिल्में फायदे का व्यवसाय साबित होने लगी और धीरे धीरे अधिकांश लोग जो श्वेत श्याम फिल्में बनाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाते थे, वो रंगीन फिल्म बनाने के बारे में सोचने लगे। फिर भी 1970 के प्रारंभ वाले दशक में भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट बनी है। तो मूल रूप से एक 10-15 साल का ऐसा कालखंड है जिसमें दोनों तरह की फिल्में बन रही हैं, रंगीन फिल्में भी और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी, और दोनों की गुणवत्ता अच्छी है, दोनों के अपने दर्शक हैं। परंतु कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि 1913 से लेके करीब करीब 1990 तक भारत में जो फिल्म बना है वह व्यवसाय के लिए नहीं बना है। यानी जो मुख्य धारा की भारतीय फिल्में हैं या जो भारत की मुख्य धारा की जनता या मुख्य धारा के दर्शकों द्वारा प्रशंसित जो फिल्में हैं वह भारत में चेतना जगाने
हमारी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन करने और काल बाह्य हो चुकी कुछ कुरीतियों को दूर करने के काम में ज्यादा लगी है। उसका मुहावरा अलग है, उसका नैरेटिव यानी कथानक अलग है, उसका स्क्रीन प्ले यानी पटकथा अलग है, उसमें गीत और संगीत का एक खास तरह का इस्तेमाल है जिसको पश्चिम परस्त भारतीय लोग नहीं समझ पाते हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं। इसके बरक्स जो यूरोप का के कई विद्वान हैं, कलाकार हैं, चिंतक हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं, उनको यूरोप की फिल्मों की तुलना में भारत की फिल्म ज्यादा उत्तेजित करती है, आनंद देती है। फिर भी मैं तीन चीजें कहकर आज की बात को विराम दूंगा। पहली बात यह कि हॉलीवुड की तुलना में यानी अमेरिकी सिनेमा की तुलना में भारत के सिनेमा बनाने वालों का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रहा है, कम से कम 1990 तक। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय सिनेमा के मंच से, भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारत में वर्चस्व की सांस्कृतिक लड़ाई लड़ी गई है। यह जो वर्चस्व है यह यूरोपीय अर्थों में नहीं है। यूरोपीय अर्थों में वर्चस्व की लड़ाई सामान्यतया सत्ता के लिए होती है। जो भारतीय सिनेमा के तहत जो रचनात्मक संवाद एवं संघर्ष हुआ है, जो रस्साकसी हुई है, वह सांप्रदायिक भी है और कलात्मक भी। वह दार्शनिक भी है और सभ्यता मूलक भी। वह भाषा के प्रश्न पर भी टकराती है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी टकराती है। वह संगीत के पाश्चात्य शैली और भारतीय शैली को भी मुद्दा बनाती है। वह राज्य की केंद्रीयता को कम से कम जरूर खारिज करती है। आप देखेंगे कि 1913 से लेके 1990 तक के ज्यादातर फिल्मों में राज्य या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्थाएं या प्रतीक को या तो उपहास का पात्र बनाया गया है, उनकी हंसी उड़ाई गई है, या उसे विलन की तरह पेश किया गया है। यानी जिसे फर्डिनेंड टोनीज नामक जर्मन दार्शनिक कहता है कि यूरोप में करीब करीब 500 सालों तक एक बड़ी लड़ाई हुई है। उस लड़ाई को वह समुदाय और समाज की लड़ाई कहता है। भारत के लोगों के लिए यह लड़ाई समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के लोग समाज और समुदाय में वैसा अंतर विरोध नहीं देखते जैसा अंतर विरोध यूरोप के लोग देखते हैं। मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि उनके यहां जो समाज बना है वह कृत्रिम समाज है। किसने बनाया है? उनके यहां जो समाज बना वह समुदायों के टूटने से बना है। समाज क्यों टूटे? उसके बहुत सारे कारण हैं और उसमें कुछ की चर्चा मैंने अपनी हाल में प्रकाशित पुस्तक भारत में सिनेमा एवं संस्कृति में की है। यह किताब 3 भागों में तैयार की गई है, जिसमें पहला भाग भारत में सिनेमा और संस्कृति के समाजशास्त्रीय दृष्टि के रूप से आई है। जो दूसरा भाग आने वाली है वह कालजयी हिंदी की फिल्मों की एक नई सूची है,
और उस सूची के आधार पर हिंदी सिनेमा के जो कम चर्चित विषय हैं, जो उपेक्षित विषय हैं, उनको उठाने का प्रयास है। और जो तीसरा खंड है वो भारतीय सिनेमा के पथ प्रदर्शक पर केंद्रित है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस व्याख्यान में मैं तीन चीजें जोड़ना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, पहली बात यह है कि हमारा जो समाज है और जो यूरोप में जो समाज है उसमें मूल अंतर है। क्या अंतर है? हमारे यहां का समाज अभी भी पारंपरिक है, जिसमें कुछ वर्ग या कुछ समुदाय आधुनिक भी हैं। हमारे यहां के ज्यादातर जो समाज के सदस्य हैं वो समुदायों में रहते हैं, पारंपरिक समुदायों में रहते हैं, और उसमें आधुनिकता का या तो प्रवेश नहीं हुआ है या एक रोशनदान से जिस तरह सूर्य की रोशनी आती है उस तरह वहां आया है, और आधुनिकता का वही उपयोग है जो भारतीय लंच या डिनर में चटनी की होती है। यानी जो हमारे भोजन का जो दाल भात रोटी सब्जी है वो तो परंपरा ही है, लेकिन एक चटनी के रूप में सुस्वाद के लिए आधुनिकता का भी प्रवेश हो रहा है। तीसरा वर्ग वो है जो काफी पहले आधुनिक हो गया था अंग्रेजी राज में, और अब वह उत्तर आधुनिक हो रहा है। एक ऐसा भी वर्ग है जो पहले पारंपरिक था, तथाकथित ओबीसी वर्ग का था, दलित वर्ग का था, आदिवासी वर्ग का था, वो अंग्रेजी शिक्षा के लाभ लेकर दो धाराओं में बट रहे हैं। कुछ लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, भारत की पारंपरिक संस्कृति को अपना रहे हैं, और कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति में दीक्षित हो रहे हैं। कौन सा व्यक्ति या कौन सा परिवार या कौन सा समुदाय परंपरा में अपनी जगह ढूंढेगा या आधुनिकता में अपनी जगह ढूंढेगा, या काफी हद तक दार्शनिक प्रश्न नहीं होकर अस्तित्व का प्रश्न होता है, जीवन यापन का प्रश्न होता है। उदाहरण के लिए जो आदिवासी इलाके हैं या भारत के गरीब राज्य हैं, उसके लोग बड़े महानगरों में जाते हैं, और जब बड़े महानगरों में जाते हैं तो वहां वो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद सामान्यतया तीन विकल्प होता है। एक विकल्प ये होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने गांव वापिस चले जाएं, और ऐसा अभी भी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। दूसरा वह होता है कि वो अपने बच्चों के पास चले जाएं, यदि उनके बच्चे बड़े हैं और किसी दूसरे शहर में सेटल्ड हैं, रहते हैं, तो वहां चले जाएं। और तीसरा ये होता है कि वे खुद जहां नौकरी करते थे वहीं रहे, सेटल कर जाएं। भारत में एक साथ परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, उत्तर आधुनिकता भी है, इसके अलावे एक मिश्रित समुदाय भी है, जिसके एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों के अलग अलग ओरिएंटेशन है। और इसमें आयु या लिंग का भेद कम है, और व्यक्तिगत रुझान का भेद ज्यादा है। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं भारत में जिसमें जो पिता है वह आधुनिक है, लेकिन कुछ संतान पारंपरिक है। महिलाएं कुछ पारंपरिक हैं और जो पुरुष हैं वो आधुनिक हैं। कई बार महिलाएं आधुनिक हैं और पुरुष पारंपरिक हैं। तो जो भारत ने कॉन्ट्राडिक्शंस को या अंतर विरोधों को एक साथ
जीने की कोशिश की है वह भारतीयों के जिंदगी को काफी मुश्किल बना देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी नहीं टूटे, जो लोग खून से या वैवाहिक संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो साथ रहें, तो आपको अपने मूल्यों पर तो, सांस्कृतिक मूल्यों पर तो, और कई बार आपकी पूजा पद्धति पर भी समझौता करना पड़ेगा। तो उससे जो परिवार नाम की संस्था है, जो नातेदारी नाम की संस्था है, जो कुटुंब नाम की जो संस्था है, वो देखने में तो अनवरत चल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि भारत में भी अब लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, परिवार के भीतर लड़ाई झगड़ा बढ़े हैं, पति पत्नी के बीच में तनाव भी बढ़ा है, कई बार अलग अलग रहते हैं लोग, अलगाव भी बढ़ा है। दूसरी तरफ यूरोप के जैसे देशों में भारतीय मूल्यों और संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ा है, और इसमें सिनेमा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय सिनेमा केवल भारत में नहीं देखा जाता, भारतीय सिनेमा के दर्शक केवल भारतीय मूल के विदेशी नहीं है, बल्कि यूरोपीय मूल के, अमेरिकी मूल के और अफ्रीकी मूल के और एशिया के अन्य देशों के लोग भी भारतीय सिनेमा देखते हैं। जैसा कि हमारे देश के भी बहुत सारे लोग अमेरिकी सिनेमा देखते हैं, जर्मन और फ्रांसीसी और इटालवी और चीनी और कोरियाई और जापानी सिनेमा देखते हैं। तो आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें सांस्कृतिक संवाद भी हो रहा है, सांस्कृतिक टकराव भी हो रहा है, और सांस्कृतिक टकराव यदि होगा तो वह राजनीतिक टकराव भी बनेगा, वह आर्थिक टकराव भी बनेगा, वह कलात्मक टकराव भी बनेगा, और इन सबों के साथ सिनेमा की यात्रा भारत में अब भी सभ्यतामूलक बनी हुई है। 1990 से लेकर के और करीब करीब 2012 तक का जो कालखंड है उसे हम विश्व ग्राम में भारत का सिनेमा कहना चाहेंगे, लेकिन 2012 के बाद भारतीय सिनेमा, भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसको कोरोना ने, कोरोना के भय ने, कोरोना की महामारी ने पुनर्परिभाषित किया है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं भारत में सिनेमा और राजनीति विषय पर बोलूंगा, और उसके अगले लेक्चर में कोरोना काल में भारतीय सिनेमा, भारतीय समाज और भारतीय सभ्यता के सामने उपस्थित यक्ष प्रश्न पर विचार करूंगा। धन्यवाद।